नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आप सभी को पता है हमारी कक्षा 12 की बुक लॉन्च हो चुकी है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको उस बुक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अभी मेरे हाथ में ये बुक है, आप देख सकते हैं। आपको इस पुस्तक के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूँ, हमारी कंपनी की शुरुआत हुई है जिसका नाम है कृष्ण गंगा एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, और इन्हीं के योगदान से मैंने इस पुस्तक को पूरी तरीके से बनाया है। आप यहाँ पर लोगों भी देख सकते हैं, कृष्ण गंगा एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपको पीछे भी इसका लोगो मिल जाएगा। इस कंपनी को बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य था, सभी छात्रों को, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्ग से हो, सभी छात्रों को पढ़ने का एक बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा कोई भी लक्ष्य इस कंपनी का नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बातों से। सबसे पहली बात ये, मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, आप देखे भी होंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्या आप एक ऐसे पुस्तक से पढ़ना चाहते हो जिसके लेखक के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है? उस लेखक ने पुस्तक लिख तो दी लेकिन सामने कभी आया ही नहीं। या आप उस पुस्तक से पढ़ना चाहते हो जो जिसके लेखक आपको YouTube पर निःशुल्क माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जो आपके हर डाउट को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, जो आपके हर परीक्षा में आपका साथ देते हैं, आपको पूरी तरीके से तैयार करने में लगातार प्रयासरत रहते हैं। डिसाइड आपको करना है, आपको उन पुस्तक से पढ़ना है जिनके लेखक के बारे में कुछ भी पता नहीं आपको, या फिर उस पुस्तक से पढ़ना है जिसका लेखक भी आपको पढ़ा रहा है। वो ज़माना कुछ और था, ये ज़माना कुछ और है। अब बात आती है कि इस पुस्तक को बनाने के बारे में। इस पुस्तक को बनाने में मुझे 1.5 साल से ऊपर का समय लगा है। रात 2-2 बजे तक मैंने इस पर मेहनत की है। मैंने समय नहीं देखा, बस ये था कि जल्द से जल्द आपको इस कंटेंट को उपलब्ध कराया जाए। एक ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद किसी और अन्य बुक की आवश्यकता आपको ना पड़े। क्योंकि मैंने देखा कि सारे पुस्तक में, ऐसे नहीं कि पुस्तक बेकार है, अदर बुक भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है तो कुछ दूसरे में मिसिंग है। हमारा प्रयास ये था कि एक ऐसी कंप्लीट बुक बना दी जाए जिसको पढ़ने के बाद किसी और बुक की कोई नीड ना रह जाए। इस वजह से मुझे इसमें बहुत समय लगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये, जीव विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फिगर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर फिगर्स को देखते हुए कोई टॉपिक समझते हो तो आपको तुरंत वो समझ में आएगा। और इस पुस्तक में मैंने हर एक टॉपिक से संबंधित एक फिगर रखा है, हर एक टॉपिक से संबंधित फिगर रखा है। आप सोच सकते हैं कि कितने टॉपिक होंगे तो कितने फिगर्स होंगे। दूसरी बात कि फिगर्स का फील ब्लैक एंड वाइट में नहीं आता। बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल है जो ब्लैक एंड वाइट में है। जो फील आपको ओरिजिनल कलरिंग में है वो ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। ओरिजिनल कलर के साथ अगर आपको वो फिगर मिल जाए तो आपको फील आता है वो उस चीज़ को पढ़ने में। आप रियल लाइफ में भी उस चीज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फिगर्स का बहुत बड़ा रोल है जीव विज्ञान में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो इस पर भी मैंने बहुत मेहनत की, और टॉपिक से रिलेटेड मैंने इसमें फिगर इंक्लूड किए। दूसरी, कक्षा 12 में अध्याय 5 और 6 बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और टफ भी होता है। बहुत सारे डाउट्स आपके होते हैं उन चैप्टर्स में। जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी भर भर के मैंने दिए हैं। जैसे आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, आप लोग मुझे भेजते हो व्हाट्सएप पे, सर इसको सॉल्व कर दीजिए, ए निगेटिव वाले पुरुष का विवाह बी निगेटिव वाले से होता है तो उनके पुत्र में इसकी वंशांगति कैसे होगी। अब आपको इसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सब A to Z जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं सबको मैंने सॉल्व करके उसको इंक्लूड किया है बुक में। बात यहाँ पर आती है कि सर, आपने कक्षा 12 का क्यों किया, 11th का क्यों नहीं किया? रीज़न बता दो। कक्षा 12 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड है, दूसरा नीट में भी इम्पॉर्टेंट होता है, अदर कंपटीशन में भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये बुक सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड के साथ साथ आपके नीट में भी पूरी तरीके से हेल्पफुल होगा। अभी तक जो PDF आपका 70 क्वेश्चन आता था, 70 से अबव जाएगा इसी बुक से। मैं अब नेक्स्ट ईयर आपको इसका रिव्यू भी दिखा दूंगा, जो नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे A to Z आपको दिखा दूंगा, इंग्लिश मिलेंगे। तीसरा, आप यदि SSC की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये बुक बिल्कुल हेल्पफुल होगा। क्योंकि इसमें मैंने बताया ना कि कुछ भी छूटा नहीं है,
कम से कम में बहुत ज़्यादा है, बेसिक टू एडवांस ये बुक है। तो चूंकि क्लास 12th ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने अभी क्लास 12th को ही मैंने बनाया है। 11th में आपको समय ज़्यादा मिल जाता है, आपका जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है, लास्ट जुलाई तक आपका एग्ज़ाम वगैरह जून वन तक होता है, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल जाती है, सिलेबस भी ज़्यादा है 11th की। आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और आपको ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत होती है क्लास 11th में। क्लास 11th को हल्के में मत लीजिएगा, जो आप लोग कह देते हो फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ईयर को रेस्ट ईयर मत बनाइए, अगर ऐसा किए ना तो आपकी पूरी लाइफ रेस्ट में चली जाएगी, ऐसा मत करिएगा। फर्स्ट ईयर 11th बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसमें ज़्यादा टाइम भी दी जाती है। आप खुद ही देखोगे आप एनसीईआरटी की बुक को तो 11th की बुक ज़्यादा मोटी है कम्पेयर टू 12th की, तो उसमें टाइम आपको ज़्यादा मिलता है इसलिए आपको उसमें ज़्यादा पढ़ना होता है। 12th में टाइम कम होता है, बोर्ड होता है, आपका जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है, जनवरी फरवरी में कंप्लीट हो जाता है, मार्च में आपके एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं, इसलिए आपको समय कम मिलता है। आपके उस कम समय को बचाने के लिए मैंने इस पुस्तक को बनाया है कि कम समय में आप इसको पढ़ोगे, तैयार करोगे, बोर्ड दोगे, फिर साथ में आप नीट के एग्ज़ाम दोगे। ये होगी आपकी ये बात कि कक्षा 12 के लिए ही अभी क्यों बनी है। ठीक, 11th की मैं कोशिश करूंगा लेकिन अभी उसमें समय लगेगा क्योंकि बुक बनाना इतना आसान नहीं होता। मैंने पहले भी बताया इस बुक को बनाने में मुझे 1.5 साल से ऊपर का समय लगा है, दिन रात मैंने इस पर बहुत मेहनत की है, रात के 2-2 बजे तक मैंने इस पर मेहनत की है। आप किसी भी राज्य से हो, चाहे आप उत्तराखंड से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, किसी भी राज्य से हो, ये पुस्तक हर राज्य के लिए है क्योंकि पूरी इंडिया में अब एनसीईआरटी लागू कर दी गई है। वह राज्य जहाँ पर एनसीईआरटी चलता है उसके लिए यह बुक सर्वश्रेष्ठ है। अब ये डाउट में मत रहिएगा कि एनसीईआरटी हमारे राज्य में चलता है कि नहीं, मैंने बता दिया कि ऑल इंडिया एनसीईआरटी मैंडेटरी हो गया है, तो सभी राज्य में एनसीईआरटी की ही पुस्तकें चलती हैं। ये पुस्तक पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी की लाइन को छोड़ा नहीं गया है क्योंकि आपको भी पता है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ साथ डिटेल्स आपको इसमें इंक्लूड करके दिया जा रहा है। देखिए, मेरा शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊं, और आप लोग बताते भी हो कमेंट करके और रिजल्ट भी आ रहे हैं अच्छे। मेरा ये उद्देश्य है कि जो 90 नंबर लाने वाले छात्र होते हैं उनको 100 तक पहुँचाना और जो 10 नंबर लाने वाले छात्र होते हैं उनको 90 तक पहुँचाना। ये भी एक बड़ी चुनौती होती है कि एक ऐसे बच्चे को जिसका नंबर 10 आता था आज 90 आ रहा है, तो एक बड़ी चुनौती होती है। तो मेरा ये लक्ष्य है एक टॉपर्स को और टॉप कराना और दूसरा जो वीक हैं उनको टॉप पे पहुंचाना। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने देखे, बच्चे खुद कहते हैं, आप भी कमेंट्स चेक करते होंगे तो आपको भी देखने को मिला होगा, बच्चे कहते हैं कि सर मुझे कभी बायो में इंटरेस्ट नहीं आता था लेकिन जब से आपकी वीडियो पढ़ रहा हूँ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया है बायोलॉजी। ये एक दो कमेंट नहीं है, हज़ारों कमेंट पड़े हुए हैं हर वीडियोज़ में, आप देख सकते हो। तो मेरा ये लक्ष्य है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो 90 नंबर लाते थे उनको मेरा फ़र्ज़ है उन्हें और एडवांस लेवल पे लाना, 100 नंबर तक लाना, और वे जो बहुत वीक हैं जो 10 नंबर लाते थे उनको मैं 90 तक पहुँचाऊँ। ये मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य पूरा भी हो रहा है। इसी बुक में आपको मिल जाएगा लास्ट में आपको देखने को, तो इसी बुक में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 2022 का जो परिणाम रहा है हर राज्य से वो यहाँ पर प्रदर्शित है। उत्तराखंड से अंशना अंसारी जिन्होंने 100 out of 100 मार्क्स लाया था, मतलब फुल मार्क्स, कहीं से भी कटा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं उपलब्धि है क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें 100 out of 100 आने के पूरे चांसेस होते हैं लेकिन बायो में 100 out of 100 बहुत मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं से तो आधा नंबर तो काट ही देता है एग्जामिनर। लेकिन असना अंसारी ने इस तरह से उस कॉपी में लिखा था, उनकी हैंड रिटन इतना अच्छा था कि उनका एक आधा नंबर भी कटने का चांस नहीं रहा, 100 out of 100 मार्क्स लाया था। निकिता जोशी, ये अभी सब उत्तराखंड के रिजल्ट आप लोग को दिखे दिए गए हैं, चेतन, सौरभ जोशी, फिर आता है उत्तर प्रदेश के जो टॉपर्स थे हमारे चैनल के, काजल पांडे 99, अशोक 97, रागिनी पाठक 97, आशिफ 96, काजल जायसवाल 95, जबीउल्ला 95। मध्य प्रदेश के टॉपर्स के भी रिजल्ट दिए गए हैं, श्रद्धा हैं 97, सुमित 96, ये बायो के मार्क्स के बारे में बता रहे हैं, अर्पित 96, भावना गुर्जर 93, खुशी शाहू 91, मानसी 90। उसके बाद राजस्थान के रिजल्ट्स भी दिए गए हैं, रामस्वरूप 99 लाए थे,
प्राचीन 98, सिद्धार्थ 98, पीयूष सोनी 96, भरतलाल 96, अमन 96, प्रवीण 95। झारखंड का रिजल्ट दिया गया है बायो में 99, शमीर खान का रहा है। बिहार का रिजल्ट मेरे पास बहुत आया था, 95 से भी अबव था। प्रॉब्लम ये थी कि उनका एग्ज़ाम फरवरी में हो जाता है, मार्च वगैरह में उनका रिजल्ट भी आ जाता है, तो उनके रिजल्ट को संजोए रखना थोड़ा सा कठिन हो गया था मेरे लिए, वो कहीं मिस हो गया। लेकिन मुझे एक रिजल्ट मिला था, किसी बच्चे ने भेजा था, सचिन बिहार से हैं, बायो में 92 मार्क्स लाए थे। और ऐसे ही रिजल्ट हर साल जाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है आप सभी पर, क्योंकि मैंने उस स्तर पर पढ़ाया है ये कि कोई डाउट आपके मन में ना रह जाए। अब आइए इस पुस्तक को हम यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये बुक का टाइटल है जिसपे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है, समस्त राज्य की बोर्ड परीक्षाओं और नीट के परीक्षा हेतु सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, सभी राज्यों के लिए ये मान्य है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑथराइज रजिस्टर्ड है, ISBN नंबर अलॉटेड है, ठीक है, पूरी तरीके से ये बुक रजिस्टर्ड है, ठीक है, डाउट में मत रहिएगा। देखिए आपको यहाँ पर चैप्टर फर्स्ट से 16 चैप्टर तक कंप्लीट मिलेगा। आपको पहले थ्योरी बताई जाएंगी, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम में जो भी इस चैप्टर से आप क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में शार्ट नोट है, और उसके बाद डिटेल आपको यहाँ पर थ्योरी दी गई है। साथ ही साथ आपको हर टॉपिक से रिलेटेड फिगर्स दिए गए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जीव विज्ञान को समझने में फिगर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो लगभग जितने भी टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड फिगर्स यहाँ पर भर भर के दिए गए हैं। सारे के सारे रंगीन फिगर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि रंगीन फिगर में पढ़ने में फील आता है। हर टॉपिक से रिलेटेड आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर्स दिए गए हैं। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे के सारे आंसर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न भर भर के दिए गए, और ख़ास करके बिहार के छात्रों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बिहार में 50% आपका ऑब्जेक्टिव ही आता है, बहुविकल्पीय ही आता है, इसलिए इस हर चैप्टर में भर भर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बिहार के बच्चे तो एकदम निश्चिंत हो जाएं बायो सब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के सारे आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद नीट परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन या अन्य मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को भी आपको दिए गए हैं, जैसे CBSE, PMT, एम्स, नीट, RPMT, BHU, BVP, केरला PMT, HPMT, CBSE, PMT, हर चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक, और उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, आपके थ्योरीज होंगी, थ्योरी के साथ साथ आपके फिगर्स होंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। फिर यहाँ पर भी आपको वही चीज़ मिलेगा, सेकंड चैप्टर एंड होने पर आपको क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, आंसर्स तो आपको बुक में थ्योरी से मिल जाएंगे। ठीक, अभ्यास प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, हर अध्याय में आपको देखने को मिलेगा, अभ्यास प्रश्न में लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव, और फिर नीट के ऑब्जेक्टिव, यानी आपको नीट के लिए भी अलग से कोई ऑब्जेक्टिव बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नीट के बस ये दो चैप्टर का आपको सैंपल दिखा दिया गया। तो यहाँ पर इस पुस्तक में आपको टाइटल मिलेगा पहले पेज पर कि कौन सा अध्याय किस पृष्ठ संख्या पर है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। टोटल 520 पेज का है ये। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर्ड फिगर पूरी तरीके से यूज किया गया, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना फिगर के आप समझ ही नहीं सकते, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर भर भर के फिगर के माध्यम से समझाया गया है। इस पुस्तक की खास बात ये भी है कि आपको अगर ये पुस्तक मिल गई, अगर आपको ये बुक मिल गई, आप इसे से पढ़ोगे, किसी के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ी
तो आपको थोड़ा बहुत देखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो नहीं। ये इस किताब को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। और उसके बाद सब कुछ आपको बता दिया गया बुक से रिलेटेड। ये यहाँ पर आपको परीक्षा परिणाम भी देखने को मिल जाएगा। बस अब आते हैं इस टॉपिक पे कि ये बुक कहाँ पर मिलेगी और प्राइस क्या होगा। तो समस्त जानकारी आपको लगभग दी गई है इस पुस्तक से रिलेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हो एनसीईआरटी आधारित है, फ्रंट कवर है, बैक कवर है, आईएसबीएन नंबर अलॉट हो चुका है, यानी पूरी तरीके से ये रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। कॉपीराइट हमारे पास सुरक्षित है। ये हर बोर्ड और नीट टीजीटी एसएससी पीसीएस के लिए हेल्पफुल होगा, सभी राज्य के लिए हेल्पफुल होगा। बात करते हैं कि कहाँ पर मिलेगा, तो आइए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो मैं फ्लिपकार्ट को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया अपने वेबसाइट पर। ये आपको फ्लिपकार्ट पर अभी उपलब्ध है। आपको फ्लिपकार्ट के सर्च बार में सर्च करना होगा बायोलॉजी क्लास 12th, तो आपको ये बुक वहाँ पर मिल जाएगी। या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ लिंक से भी डायरेक्ट इस पुस्तक पर पहुँच सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। प्राइस की बात करें तो इसकी ओरिजिनल प्राइस है 1490 रुपये। ध्यान रखेंगे ये इसकी MRP प्राइस है और एक महीने बाद इसी प्राइस पर आपको मिलेगा। अभी फर्स्ट लॉन्चिंग है, इस वजह से आपको 39% का ऑफ दिया जा रहा, जो कि आपको 900 रुपये में मिलेगा। ये सिर्फ 10 सितंबर तक का ही है, 10 सितंबर के बाद ये अपने ओरिजिनल प्राइस पर आ जाएगा 1490। महंगा है, सस्ता नहीं है, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन मैंने आपको बताया ना खूबियाँ इसमें भर भर के। आपको इस बुक में ऑल फिगर्स कलर्ड मिलेंगे, कलर की प्रिंटिंग कॉस्ट महंगी आती है। आप मार्केट में सारे बुक देखोगे तो मैक्सिमम ब्लैक एंड वाइट होते हैं, और आपको पता है ब्लैक एंड वाइट में फील नहीं आता, बायोलॉजी है ये। जब तक आप चीज़ों को उसके ओरिजिनल कलर में नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इस बुक में आपको मैक्सिमम फिगर्स सारे कलर में आपको मिलेंगे, सब के सब फिगर आपको कलर में मिलेंगे। और कलर प्रिंटिंग महंगी होती है, ये आपको भी पता है, इस वजह से इसका प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा था इसको कम से कम मैं आपको उपलब्ध कराने की, लेकिन या तो पैसे से समझौता कर लिया जाए या तो सामान से, और देखा जाए तो साल में आपको सिर्फ 900 रुपये तो देना है, इससे ज़्यादा तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे इस पर, तो कीमत पर मत जाइएगा अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो। बाकी मार्केट में बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी फर्स्ट लॉन्चिंग में आपको 39% का ऑफर दिया जा रहा है, 900 रुपये पे आपको अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे सर्च करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 पे मिल जाएगा आपको, या फिर आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ से उसको देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, ऑर्डर को प्लेस करते समय यदि आप COD पर करते हो यानी कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट को सिलेक्ट करते हो तो आपको ये प्रोडक्ट पहुँचने में 2 से 3 दिन ज़्यादा समय लगेगा। तो देर से ना पहुँचे, इस वजह से आप कोशिश करिएगा प्री पेमेंट करने की। कोई बाउंडेशन नहीं है, प्री पेमेंट करो ना करो, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यह है कि प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पर आपको लेट में पहुँचता है, ये इनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। कॉस्टिंग महंगी इस वजह से भी जा रही है क्योंकि इसका पहली बात तो प्रोडक्शन कॉस्ट महंगा पड़ रहा, दूसरा फ्लिपकार्ट के भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, चार्जेस होते हैं, इस वजह से भी इसका प्राइस महंगा जा रहा है। और चूंकि ये इनके सहायता से ही हम पूरे ऑल इंडिया में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मुझे खुद करने में काफ़ी टाइम लगेगा और मुझे वर्कलोड भी मेरे ऊपर बढ़ेगा, तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मुझे आगे भी आपके लिए और काम करना है। इसके बाद याद रखेंगे जितने भी वीडियोस पढ़ेंगे सब इसी बुक के अकॉर्डिंग होंगे, जल्द से जल्द 2-4 दिन में ही वीडियो आने शुरू हो जाएंगे आपको, वे सभी के सभी नए सिलेबस इसी बुक के अकॉर्डिंग होंगे। बुक आपके पास रहेगा, वीडियो से आपको तुरंत समझ में आएगा, तुरंत आप पढ़ ले जाओगे। तो ये बात हो गई कुछ सावधानी की। दूसरी बात ये है कि अगर आप, मैंने कोशिश किया है कि सभी पिन कोड पर आपको उपलब्ध हो जाए, लेकिन कुछ पिन कोड पर अगर आपको नहीं मिलता है, यदि आप अपने एरिया का पिन कोड डालते हो और अगर वहाँ पे रेड कलर से लिख के आता है
अगर आपको रेड कलर से लिख के आता है कि करंटली आउट ऑफ स्टॉक फॉर योर पिन कोड, तब आपको क्या करना है, तो फ्लिपकार्ट से तो नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम लिख के मैसेज करेंगे 8354900176। लेकिन यदि ऐसा होता है तब बेवजह नहीं करिएगा। करंटली आउट ऑफ स्टॉक अगर दिखता है और आपको पुस्तक चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे अपना नाम, एड्रेस, डिटेल्स। पेमेंट आपको पहले ही करना होगा, पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपके लोकेशन पर प्राइवेट कोरियर के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ठीक, सारे सॉल्यूशंस आपके पास उपलब्ध हैं। तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, इस बुक की क्वालिटी, इस वजह से इसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, फ्लिपकार्ट के रूल रेगुलेशंस की वजह से चार्जेस थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से इसकी कीमत इतनी जा रही है। 10 सितंबर के बाद ये 1490 अपनी MRP रेट पे बिकेगा। लिमिटेड स्टॉक भी है अभी हमारे पास, अब जितनी जल्दी ऑर्डर कर प्लेस करोगे उतनी जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। स्टॉक ख़त्म होने पर नए स्टॉक आने तक आपको वेट करना पड़ सकता है, जिसमें आपको करीब 10 दिन ज़्यादा लगेगा। देर ना करते हुए यदि आपको चाहिए तो आप इसको ऑर्डर को प्लेस कर दीजिएगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। याद रखिएगा, समय से ज़्यादा कीमती पैसा नहीं है। साल में आपको सिर्फ 900 इन्वेस्ट करना है कक्षा 12 से मुक्ति जीव विज्ञान में। वीडियो सारे आपके YouTube पर फ्री में है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बुक भी मिलेगा जो कि आपका सुपर पावर है, आपके हाथ में पहुँच जाएगा। अब देखना यह है कि सबसे पहला ऑर्डर कौन प्लेस करता है। हालांकि मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया था तब भी बच्चे ढूंढ ले गए फ्लिपकार्ट पे और प्री ऑर्डर हो चुका। मैंने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दिया था, सिर्फ फोटो शेयर किया था और उसी दौरान ये लोग पता नहीं कहाँ से कुछ बच्चे फ्लिपकार्ट पे पहुँच गए, वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिए। और नाम मैं रिवील करूँगा कुछ समय बाद कि मेरा इस पुस्तक का फर्स्ट बायर कौन है। ठीक है, तो आप भी देरी ना करिएगा, आपको अगर चाहिए तो आप उसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के माध्यम से। अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध होगा लेकिन अभी उसमें कुछ समय लगेगा। आप लोग याद रखें, मैक्सिमम लोग जो PDF परचेज़ करते थे, 700 का PDF परचेज़ करते थे, उसके फिर प्रिंट कराते थे तो लगभग 800-900 पड़ जाता था। उस हिसाब से देखा जाए तो ज़्यादा महंगा पड़ता था PDF। और PDF में कुछ बच्चों को ये भी शिकायत होती थी कि सर मोबाइल में देखते देखते आँख दर्द हो जाती है और प्रिंटिंग कॉस्ट महंगी पड़ती है। तो कुछ भी नहीं है, फिर 700 में PDF लेते थे, 200 और पड़ रहा, 900 में आपको पूरी बुक आपके हैंड पे मिल जा रही है जो आपके कई सालों तक काम आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से प्राइस ज़्यादा नहीं है और क्वालिटी भी आपको उस हिसाब से दी जा रही है, तो बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। मेरा शुरू से ये लक्ष्य रहा है कि आपको कम से कम लागत पर आपको अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ आज की बातें समाप्त हो रही हैं। धन्यवाद।